क्या बिहार में पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? राजभवन में सुशील मोदी और नीतीश की मुलाकात। क्या बिहार में फिर से होगा बड़ा खेला? तेजस्वी विदेश तो नीतीश और सुशील पहुंचे राजभवन। क्या विपक्षी एकता के बीच बिहार में पलट सकती है बाजी? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में हुई अचानक ये बड़ी राजनीतिक हलचल। दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के दौरे पर गए थे। यहाँ उन्होंने विपक्षी नेताओं को एकजुट होने पर जमकर सुनाया था। ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है? ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही। लेकिन नीतीश कुमार के लिए उन्होंने कुछ नरमी दिखाई थी। इसी के बाद से चर्चाएं तेज हो गई थी कि बिहार में कुछ खेला होने वाला है। और अब जो खबरें आ रही हैं वह आरजेडी के लिए मुसीबतें बढ़ाती हुई दिख रही हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब फिर से पलटने वाले हैं। वैसे चुनावी रणनीतिज्ञ प्रशांत किशोर तो लगातार इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। लेकिन अब तो उस बात के संकेत भी मिलने लगे हैं। नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल ये चर्चाएं एक मुलाकात से शुरू हुई। नीतीश कुमार अचानक राजभवन पहुंच गए और उन्होंने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ से मुलाकात की। नीतीश कुमार के राजभवन पहुंचने के कुछ देर बाद ही उनकी सरकार में डिप्टी सीएम रहे और वर्तमान में बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी भी राजभवन पहुंच गए। पहले नीतीश और फिर सुशील मोदी के राजभवन पहुंचने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे तो नीतीश की राज्यपाल से मुलाकात यूं तो सामान्य मानी जा सकती थी, लेकिन वहीं उनकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इस समय तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार में कोई नई सियासी खिचड़ी पक रही है? इस सियासी खिचड़ी को एक साल पुरानी घटना से जोड़ता हुआ देखा जा रहा है। लगभग एक साल पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। फिर एक दिन तेजस्वी यादव जातीय जनगणना की मांग को लेकर नीतीश कुमार से मिलने पहुंच जाते हैं। बंद कमरों में दोनों के बीच मुलाकात होती है। मुलाकात के कुछ दिन बाद ही नीतीश कुमार अपना पाला बदल लेते हैं और एनडीए के रथ से उतरकर महागठबंधन की गाड़ी पर सवार हो जाते हैं। नीतीश कुमार एनडीए में थे तब भी सीएम थे और महागठबंधन में हैं तब भी सीएम हैं। इस समय नीतीश कुमार पर सीएम पद छोड़ने का दबाव बन रहा है। वैसे जब भी नीतीश पर इस तरह का दबाव बनता है तो वह बीजेपी के साथ अपनी करीबी बढ़ाने में जुट जाते हैं। बुधवार को नीतीश कुमार जब राजभवन पहुंचे तो उन्होंने कहा वह वहां हो रहे निर्माण कार्य को देखने पहुंचे हैं। सीएम नीतीश कुमार का राजभवन में हो रहे कार्य का जायजा लेना किसी को भी हजम नहीं हो रहा है, और वह भी तब जब उनके पहुंचने के कुछ देर बाद ही बीजेपी सांसद सुशील मोदी भी वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद सुशील मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, ये वो सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। ना तो नीतीश कुमार इस बातचीत के बारे में कुछ कह रहे हैं और ना ही सुशील मोदी भी इस मुलाकात के बारे में कुछ बता रहे हैं, और दोनों ही पार्टी के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। वैसे भी नीतीश कुमार अचानक फैसला बदल लेने के लिए जाने जाते हैं। सवाल उठ रहे हैं कि तेजस्वी यादव की गैर हाजिरी में नीतीश कुमार क्या सिर्फ राजभवन के निर्माण कार्य का जायजा लेने गए थे या किसी दूसरे निर्माण कार्य में जुट गए हैं? राजभवन में सीएम या पार्टी का कोई भी सांसद जाता है तो उसका शेड्यूल पहले ही तय होता है। ऐसे में नीतीश कुमार का राजभवन में जाना और उसके कुछ ही देर बाद सुशील मोदी का भी राजभवन पहुंच जाना कुछ बड़ा होने का संकेत दे रहा है। सवाल उठ रहे हैं, एक और नीतीश कुमार मोदी सरकार के खिलाफ मजबूत विपक्षी एकता बनाने की बात कर रहे हैं। 23 जून को उनके बुलावे पर ही पटना में बैठक हुई थी। शिमला में होने वाली दूसरी बैठक की तैयारी भी वही कर रहे हैं। दावा हो रहा है कि नीतीश कुमार को विपक्ष का संयोजक बनाया जा सकता है, लेकिन अचानक जो खबरें बिहार से आ रही हैं, उससे कई संशय भी पैदा हो रहे हैं। सवाल तो इस बात पर भी उठ रहा है कि शिमला में होने वाली बैठक में नीतीश कुमार शामिल होंगे या कोई बड़ा खेल हो जाएगा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली खबरों की जानकारी सबसे पहले मिल सके।